में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे, फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? जो तेल के दाम बार बार बढ़ाते हैं, आपको ज्ञात होगा कि इस देश के अंदर वो दाम दुनिया के किसी देश की तुलना में महंगे हैं। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? यह लूट है और तुरंत यह कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इन डीजल के दामों को वापस करके रहेगी, ये मैं आपके सामने घोषणा करना चाहता हूँ। By Delhi BJP leaders today led a bike rally to protest the latest hike in fuel prices that was announced last night. Delhi BJP leaders Vijay Goyal and Vijender Gupta led the rally. आज आम आदमी पर फिर से महंगाई का एक चपेटा उन्होंने मारा है। सरकार बार-बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाती है। हर बार इज एट्रोशियस एंड अनबिलीवेबल। दी यूपीए गवर्नमेंट ऑन इट्स थर्ड एनिवर्सरी हैज गिवन दिस गिफ्ट ऑफ पेट्रोल प्राइस हाइक टू द पीपल एंड दैट टू 7.50 रुपीज पर लीटर। अनहर्ड ऑफ, अनइमेजिनेबल। People of India and the opposition, and particularly the BJP, is asking the government of India that when will you move beyond lip service? इसके अक्षरधाम से बीजेपी ने दिल्ली में चक्का जाम की शुरुआत की। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। नहीं, मोदी जी ने अच्छा किया।